हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंजलि। आज मैं बनाने जा रही हूं आप सबके लिए समर कूलर रूह अफ़ज़ा मोजिटो। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार हो जाता है। अगर आप सबको रूह अफ़ज़ा पसंद है तो ये ज़रूर पसंद आएगा। आई एम श्योर इट विल मेक यू हैप्पी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसे मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ बेसल सीड्स, जिसे हम सब्जा बोलते हैं, और साथ में हम जिसे तुलसी के बीज भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर एक चम्मच बेसल सीड्स ले रही हूँ। गर्मियों में ये ठंडे का काम करता है, इसलिए आप कोई भी ड्रिंक बनाएं तो सब्जा का यूज़ ज़रूर करें। और मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद इसकी जो क्वांटिटी है वो डबल से ट्रिपल हो जाएगी। और फ्रेंड्स, ये जो सब्जा होता है इसमें बहुत प्रोटीन होता है। कुछ लोग इसे फलूदे की तरह भी यूज़ करते हैं, कुल्फ़ी के साथ भी ये सर्व किया जाता है। ये बहुत ही पौष्टिक होता है और वेट लूज़ का भी ये काम करता है, और इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। इसलिए इस गर्मी के सीज़न में आप सब्जा का यूज़ ज़रूर करें। कोई भी ड्रिंक बनाएं तो उसमें सब्जा ज़रूर डालें। देखिए ये फूल गया है अच्छे से। अब हम इसे साइड में रख देंगे। और मैंने यहाँ पे लिए दो फ्रेश नींबू, अब हम इन्हें काट लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ले लिया एक गिलास और इसके अंदर हम नींबू का रस निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप उनको ये ज़रूर बनाकर पिलाएं, उन सबको ये बहुत पसंद आएगा। देखिए मैंने नींबू का रस निकाल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते। इस भरी गर्मी में ये पुदीना बहुत ही ठंडक देता है हमारे शरीर को, इसलिए मैं पुदीने के पत्ते ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 1 पिंच नमक, और मैंने यहाँ पे डाला है 1 पिंच काला नमक, और साथ में मैंने डाला है 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 से 5 चम्मच रूह अफ़ज़ा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आइस क्यूब, और मैं इसमें डाल रही हूँ सब्जा जो हमने बनाए थे, उसे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे ऐड करने में आप कंजूसी ना करें। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच सब्जा का यूज़ किया है। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोडा। आप चाहे सोडा की जगह पर आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसे चम्मच से मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमारा समर कूलर रूह अफ़ज़ा मोजिटो बनके तैयार है। रूह अफ़ज़ा तो आप सभी ने पिया होगा, लेकिन इस गर्मियों के सीज़न में आप बनाइए रूह अफ़ज़ा मोजिटो, और आपके घर में आने वाले सभी गेस्ट को पिलाइए रूह अफ़ज़ा मोजिटो। फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके भी बताना कि आप सबको मेरा वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।